अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको दिखाएंगे हम स्टाइल अवार्ड्स के बिहाइंड द सीन और स्टार्स की ड्रेसिंग के बारे में करेंगे कुछ तबसरा, वो भी मसालेदार। तो कहीं मत जाइएगा, मेरा नाम है सुमैर और आप देख रहे हैं सभी स्मैर यूट्यूब चैनल। तो कर दें जल्दी से सब्सक्राइब और बेल आइकन पे कर दें क्लिक। ये है आसिम अदर, बहुत ही प्यारे प्यारे गाने गाते हैं लेकिन आज तक मैंने नहीं सुने। इनकी ड्रेसिंग तो चेक करें, कितनी कमाल की है। इनके कोट को देखकर लगता नहीं है जैसे चाइना का कोई कोबरा मार के उसकी खाल का कोट बनवाया। क्या बात है आसिम साहब, आज तो बिल्कुल ही आप अपनी अम्मा जी के साथ ही घूम रहे हैं। हानिया बेचारी कब से अकेली आपका इंतजार कर रही है। लगता है अम्मा जी ने आसिम भाई को ये कहा है कि मैं तो बहू वो लाऊंगी जो कम से कम कपड़े तो पूरे पहने। हानिया को जरा देखो तो सही, नंगी फिरती रहती। उनकी अम्मा ने सख्ती से मना किया हुआ कि ऐसे गंदे कपड़े पहनने वाली लड़की के साथ मैं तेरा ब्याह बिल्कुल नहीं कराऊंगी, तू नवी कुड़ी ढूंढ। हानिया जी, अगर आज आपको आसिम अजहर लिफ्ट नहीं करा रहे तो प्लीज भोले को तो छोड़ दो, इसने तो थोड़ी देर के बाद कहना हाय हाय मजे हाय मजे। ये है मंशा पाशा, इनकी लाल कबूतर फिल्म बहुत मशहूर हुई थी आप जानते ही होंगे। लेकिन इनकी ड्रेसिंग देखने के बाद बहुत सारे लोगों ने ये सोचा होगा कि भैया मेहरबानी करनी थी तो पूरी तरह से कर देती आयशा उमर की तरह। ए बुलबुले बुलबुले बुलबुले, यार मेरा मतलब है बुलबुले की स्टार आयशा उमर है यार ये। आप लोग पता नहीं क्या समझ जाते हैं, इनकी ड्रेसिंग देखने के बाद मेरे पास कोई अल्फाज ही नहीं रहे। अल्फाज तो बहुत सारे हैं लेकिन मेरा ये चैनल बहुत सारे ऐसे लोग भी देखते हैं कि यार जिनके सामने मैं ऐसे अल्फाज यूज भी नहीं कर सकता। तो इनके बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आयशा उमर की ड्रेसिंग आपको कैसी लगी। इनसे मिलिए, ये है इफ्फत उमर। वैसे अगर हम इनके बारे में मजीद बात करने से पहले इनकी एज के बारे में बात करें तो पाकिस्तान बनने के कुछ ही दिनों बाद ये पैदा हुई थी लेकिन इनकी याददाश्त जाने के बाद ये अभी तक अपने आप को 20-22 साल की ही समझती हैं। और इनकी ड्रेसिंग तो जरा चेक करें, अपने हस्बैंड के बूटों में से तस्मा निकाल कर इन्होंने अपनी शर्ट को रोक के रखा हुआ है। अरे बांधना ही था तो कोई चंगा जहा नाड़ा बांध लेना सी। याले सरहदी, इनको देखने के बाद मेरा दिल थोड़ा सा खुश हुआ था कि चलो इसने कोई ढंग के कपड़े पहने हैं, लेकिन कैमरामैन ने सारा भांडा ही फोड़ दिया। जब कैमरा नीचे गया तो मैंने देखा इनकी टांगे ही नंगी हैं। तो मैंने यही कहा दूर फिटे मुंह। ये है आमना शेख, मुझे तो लगता है मोहित मिर्जा से जान छुड़वाने के बाद ये बिल्कुल ही आजाद हो गई है। उर्वा को तो देखो यार, मुझे यूं लगता है जैसे कपड़ों में फिट आने के लिए ये सिलाई मशीन के नीचे ही लेट गई थी। वैसे पहने तो पूरे कपड़े हैं इन्होंने लेकिन बहुत ही टाइट पहने हैं। अब आप खुद ही देख लें कि फरहान उसको बार बार कह रहा है कि यार दांत तो साफ कर लेती सुबह उठ के, ब्रश क्यों नहीं करती, तेरे मुंह से इतनी स्मेल आ रही है। वो कह रही है मैंने ब्रश किया था लेकिन आते हुए मैंने दोबारा नसवार डाली जिसकी वजह से स्मेल आ रही है। पहले तो मैं इनको नहीं जानता था लेकिन अब मैं इनकी ड्रेसिंग देखने के बाद शायद इनको कभी ना भूल पाऊं। इनका नाम है गाना। एक ही शोल्डर पर डबल मंजिल कमरा बनवाने के बजाय मुझे यूं लगता है कि इनको दूसरे शोल्डर पर भी एक कमरा बनवा लेना चाहिए था उसी कपड़े के साथ, तो शायद ये ज्यादा प्यारी लगती। फिर कहती हैं कि लड़के बड़े ही ठरकी होते हैं, ऐसे कपड़े पहनोगी तो मैडम कौन कौन नहीं होगा ठरकी। ये है रीमा जी, पूरे इवेंट में इनके सिवा किसी ने भी ऐसी ड्रेसिंग नहीं की होगी जिसे देखने के बाद हम ये कह सकें कि चलो भैया कुछ तो सोबर लग रही हैं। इनको तो देखें, ये है नौशीन शाह। इनके बालों की मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, एक तरफ से बिल्कुल गंजी हुई हुई है और दूसरी तरफ से बाम फोड़ा हुआ है। ये है मोनालिजा, लगता है इंडिया से लितर पड़ने के बाद आखिरकार ये पाकिस्तान में फिर काम ढूंढने के लिए आ गई है। अगर मैं प्रोड्यूसर या डायरेक्टर होता तो पाकिस्तान वापस आने के बाद इनको कभी भी कास्ट ना करता, क्योंकि जब इन्हें वहां काम मिल रहा था तब ये पाकिस्तान को भूल चुकी थी।